आज हमारे प्रशिक्षण शिविर का पांचवा दिन और आज मैं जो कल चौथे दिन हमारे शिविर में क्रियाकलाप हुए थे उनको मैंने शब्दों में पिरोया है, उसको आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम भगवान वंदन, सर्वप्रथम भगवान वंदन, तत्पश्चात डायरी पठन, फिर पंकज सर ने की शुरुआत, फिर पंकज सर ने की शुरुआत, विषय हमारा भाषा शिक्षण। महामारी का हुआ असर, महामारी का हुआ असर, बच्चों का गिर गया स्तर, उस स्तर को कैसे उठाएं, उस स्तर को कैसे उठाएं, बच्चों के हम समूह बनाएं। पंकज जी ने अच्छा समझाया, पंकज जी ने अच्छा समझाया, सब साथियों की समझ में आया। फिर प्रदीप जी ने बात बढ़ाई, फिर प्रदीप जी ने बात बढ़ाई, मौखिक भाषा का विकास कैसे हो यह बात सबको समझाई। चित्रपठन अनुभव चर्चा, चित्रपठन अनुभव चर्चा, शिक्षक द्वारा कहानी वाचन, शैली उनकी बड़ी चुटीली, शैली उनकी बड़ी चुटीली, बातें उनकी बड़ी मनभावन। फिर पंकज जी ने चाय बनवा दी, फिर पंकज जी ने चाय बनवा दी, बड़े प्यार से हमें पिला दी। चाय पश्चात सत्र आगे बढ़ा, चाय पश्चात सत्र आगे बढ़ा, चार्ट स्केच हमारे हाथ पड़ा, चार्ट सबने तैयार किया, चार्ट सबने तैयार किया, भोजन का फिर समय हुआ। LLF से श्रीमान आए, LLF से श्रीमान आए, बाल गीत से सब समझाए। प्रस्तुतिकरण की बारी आई, प्रस्तुतिकरण की बारी आई, सुखदेव जी ने सबकी जान छुड़ाई। उन्होंने फिर जो ज्ञान पिलाया, उन्होंने फिर जो ज्ञान पिलाया, उससे सबका मन हर्षाया। फिर हाजिरी का आ गया ज्ञापन, फिर हाजिरी का आ गया ज्ञापन, और सत्र का हुआ समापन। अरे वाह।